5000 वर्ष जो है ना, ये कालांतर हुआ और वो लोग जो है वो देशांतर हमारे मन को वहां डाल दिया मेरे लिए। एक ने हमारे मन को यही वृंदावन में ही नित्य कुंज में लेकर आंतर 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 वहां पहुंचा दिया वाणी का विस्मरण। एक ने यही हमारे मन को आंखों में से कानों में से निकालकर हृदय में रखा। क्या बढ़िया कल्पना है, महात्माओं की करुणा है जो उनको वर्तमान दुख से चिंता से राग से द्वेष से मुक्त करने की। पंचत्वम तनुरोध भूत निवाहा स्वांसे विसंतुष्टम भातारम प्रणिपत्य अंत शिरता तत्रापियाचेबर तत्पापी सूत्रव तदीय मुकुरे ज्योति तदीयांगन व्योमने व्योम तदीय वर्तमान धरा तत्ताल घंटे हिला शरीर छूट जा। और शरीर में जो पंचभूत हैं वो अपने अपने मनुष्य में मिल जाए। हम ब्रह्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमको ये वरदान दे कि जिस मार्ग से तत्रात जाके वरम हमारे शरीर का जल उस बावली में मिल जाए जिसका उपयोग हमारे द्वारे उनके शीशे में हमारे शरीर की ज्योति मिल जाए, उनके आंगन के आकाश में हमारे शरीर का आकाश मिल जाए, जिस मार्ग पर वे चलते हैं उसमें हमारी मिट्टी मिल जाए। और तब काल वृत्ते उनको जो पंखा चला जाता हो उसमें हमारे शरीर की वायु मिल जाए। तो ये देखो इसमें दुख को तो बिल्कुल उठा के उन्होंने हमारे जीवन से बिल्कुल अलग नहीं किया। ये तो जीवों का दुर्भाग्य है, तो दुर्भाग्य तो कहना ठीक नहीं है। ये जान बूझ कर दुख को मोल लेना है कि अपने हृदय को भगवदाकार न करके भगवत चिंतन में न लगा करके संसार के चिंतन में फंसाएगा। वो तो बिना सत्संग के ये प्रीति हृदय में नहीं हो सकती। जो अंतन परम शक्ति के लिए इस संकल्पता का अभ्यास करता है वो तो बहिरंग बहिरंगता है। वो अपने श्रेय ये है जो अविद्या की मृत्यु के लिए सदाकार को सदाकार और एक वे है जो साक्षात्कार होने के पश्चात उनके लिए ब्रह्मात्मक कोई भी वस्तु प्रयोजन पूर्ति होने के कारण जो ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। तो हुई ब्रह्माकार वृत्ति साक्षात्कार के लिए और एक हुई एक क्षण के लिए वृत्ति महावाक्य जन्म प्रमाण जन्म वृत्ति एक क्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक क्षण में अयन घटा इच्छाकारक हो गया, अब थारा बाहु ज्ञान हुआ, अयन घटा है अयन घटा है अयन घटा है, ये घड़ा है घड़ा है घड़ा है। तो यदि अविद्या अनेक है तो प्रत्येक घट अविद्या विशिष्ट होता है और प्रत्येक वृत्ति प्रमाण रूपा होती है उस घट विषय अज्ञान को दूर करती है, जैसा कि हम की कारण अब अनेक अविद्या को अनेक है और विवरणकार ने अविद्या को एक माना है। इसलिए एक बार अयम घटा अविद्याकारक हो जाने पर दोबारा जो अयम घटा होता है वो विद्या वृत्ति ही जो है उसका अनुवाद होता है प्रत्येक घट में। और दीपिकाकार के मत में प्रत्येक दीपिकाकार उनके मत में अब वो घट भी ब्रह्म ही हो गया है, इसलिए विद्या और विद्या के विषय का कोई भेद नहीं है।
हाँ तो दो हुआ, एक तो निधिध शासन रूपा वृत्ति हुई, तो विजातीय वृत्ति का तिरस्कार होकर के सजातीय वृत्ति का प्रवाह होता, ये तो निधिध शासन रूपा वृत्ति, विजातीय वृत्ति तिरस्कार की उपज सजातीय वृत्ति का प्रवाह, ये निधिध शासन रूपा वृत्ति। और प्रमाण जन्म श्रवण समकार जो अविद्या निवृत्त करने वाली वृत्ति, विद्या निवर्तक वृत्ति है, वो केवल एक क्षण होती है, उसके पश्चात जो जीवन मुक्ति का तत्वज्ञान हो जाने के पश्चात जो तत्वज्ञ पुरुष का जीवन है, उसमें उसकी वृत्ति ही ब्रह्ममयी हो जाती है। तो क्षण एकम न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयी बिना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मात्या सनकात्या सुखात्या। तो एक क्षण भी मैं जो इसमें आ गया यथातिष्ठन तो ब्रह्माद्या सृष्टि विरचयन को ब्रह्माद्या सनकाद्या कालवत क्रीडन को शुकादय समाधि मंत्रो को ब्रह्मवयी वृत्ति के बिना नहीं रह सकते। अब रही एक बात कि जिसने तत्व ज्ञान को पूर्व भगवान की भक्ति की है और चित्त की द्रवावस्था होकर के सदाकारता प्राप्त करी है, तो वो तत्व ज्ञान होने के पश्चात बाधितानुवृत्ति से स्वाभाविक ही उनके हृदय में भगवदाकार वृत्ति रहेगी, प्रयास प्राप्त नहीं होगी, स्वाभाविक रहेगी, वही ब्रह्माकार वृत्ति अनुवृत्त होती नहीं होती। तो जो मकान और स्त्री और पुत्र और धनाकार वृत्ति ही पहले होती रही है, पहले तो उसका अंतकरण अशुद्ध नहीं रहा, इसलिए तत्वज्ञान होने पर भी यदि उसी प्रकार की वृत्तियां होती रही तो दृष्ट दुख न नश्यति, उसके दृष्ट दुख का नाश नहीं होगा, इसलिए ज्ञान रक्षा तपस्या विसंवादाभाव दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की उपलब्धि, इन पांच निमित्तों से तत्वज्ञ पुरुष को भी निसंकल्पता निरस्त सर्वसंकल्पता या शिलावद अवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुषता सा स्वरूप स्थिति करा, और जिनकी चित्त वृत्ति में द्रुति होती है भगवान के नाम श्रवण से, रूप के दर्शन से, उनकी कथा श्रवण से शरीर में रोमांच होता है, नेत्रों में अश्रु आते हैं, प्रेम अश्रुणी विभूषयंती वदनम कंठम गिरो गदगदा, गदगद वाणी हो रही है, नास्त्यात् कृष्णार्चनम कुर्वताम नास्माकम क्षणमात्रमत्यवसर कृष्णार्चनम कुर्वताम मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किनियम दास्याय लोलायते। तो अब उनके हृदय में स्वाभाविक अद्वेष्टृत्वादिवत जैसे शुद्ध अंतकरण पुरुष के अंतकरण में अद्वेष्टृत्व आदि की अनुभूति होती है, अद्वेष्टृत्वादिवत तेषां स्वभाव भजनम हरे, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि उनका स्वभाव ही भगवत भजन का होता है, इसलिए प्रियतम हृदय खेलतु प्रेम रीतिया पदयुग परिचर्या प्रेयसी वा विधत्ता विहरतु विजितार्थो निर्विकल्पे समादौ ननु भजन विधौ वा तद्वयं तुल्यमेव। अब पूर्वानुवृत्त वृत्ति के द्वारा यदि वो श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो भी वैसा ही है, यदि निस्संकल्प निर्विकल्प समाधि लग जाती है तो भी वैसा है, क्योंकि समाधि भी वृत्ति की ही एक स्थिति है, समाधि निरोध का
अंग है, आठ अंग है ना, यम नियमा समाधि। तो समाधि योगियों का साध्य नहीं, समाधि तो निरोध का एक अंग है। चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्ति निरोध होता है, चित्त निरोध नहीं होता है। वृत्ति का निरोध दूसरी वस्तु है, हाथ खिलाना जो है ये बंद हो जाए, ये दूसरी वस्तु, ये वृत्ति का निरोध है। और हाथ ही न रहे तो ऐसा तो नहीं होता, योगी का चित्त भी रहता है। नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारण, कृतार्थम प्रति नष्टमत्व नष्टम तदन्य साधारण। तो जीवन मुक्ति में दोनों के कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे वो द्रुत है अब प्रियतम के हृदय पर है पत्नी कि उसके चरणों को दबा रही है। जैसे पत्नी के प्रेम में इसका भेद नहीं है, इसी प्रकार तत्वज्ञ की उस वृत्ति में जो पूर्वानुवृत्त भक्ति के द्वारा भगवदाकार रहती है उसमें और निसंकल्पता में। जो अकृतोपास्ति है वो दोनों में से किसी का भी आश्रय ले सकते, जो अकृतोपास्ति है उसके अंतकरण में यदि राग द्वेष के संस्कार हैं तो तत्व ज्ञान होने के पश्चात भी उसको अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्माकार वृत्ति का वृत्ति ही असक्र दुपति साथ पुनः पुनः उपदेश करने के कारण आवृत्ति करना होता है। किंचित मान लीजिए उपासना आदि के संस्कार है तो उनको भी वो बढ़ा सकता है बिल्कुल, और वो अगर निसंकल्प का या समाधि के है तो उनको भी कर सकता। वैतम बंधा बोधा प्राप्ति बोधे मनीषवा भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम तादृशी यदि भक्ति चेत सा तो मुक्ति सता देता। किन्तु वो तो सत्य है पदार्थ बोध का, और फिर ये है काल्पनिक, उस सत्य पदार्थ में अनुभव ये काल्पनिक जो है वो तभी तक है जब तक बोध नहीं हुआ है, क्योंकि कल्पनावत जो अंतकरण है वो अंतकरण यथार्थ सभी तक है जब तक बोध नहीं हुआ है। बाधित जो अंतकरण है वो तो थोड़ा भेद रख की उपासना करने में बड़ा उपयोगी है। सर्वेश्वरस्तु सुधिया गलित भेदे भावे न भक्ति सहित न समर्थनिया प्राणेश्वरस चतुरया निदिते चित्ते चैवांचल व्यवहित निरीक्षणीय। जैसे घूंघट की ओर से देखते हैं, एकांत में नंगे रहते हैं और लोगों के बीच में घूंघट की ओर से देखते हैं तो तत्वज्ञ परमार्थ में अभिन्न रहता है और व्यवहार में हित दृष्टि का आलम्बन लेकर लोगों के लिए लोगों ने जो किंचित भेद सहिष्णु का तो वही है। किंचित माने अनिर्वचनीय, किंचित शब्द का अर्थ क्या है? किंचित शब्द का अर्थ तो अनिर्वचनीय है ना। भेद की स्थिति भी एक तरह से रसास्वाद की प्रक्रिया ही है। रसास्वाद जीवन के जीवन में आखिर आनंद रहेगा कि नहीं, येन केन प्रकारेण सुखा बपनिनीषति, जैसे कैसे भी वो रोटी खा के अपनी भूख को मिटाता है, वैसे जैसे कैसे भी क्वचित ममानुष्ठान नाम संकीर्तन वा कहीं भगवान के चिंतन से कहीं नाम संकीर्तन से है? ये तो श्रीमद् भागवत में है, ये भागवत का है और वो पंचदशी का है। जिन केन प्रकारेण क्षुधा अपनी निशति, ये भी जो सुख की पिपाशा है उसको भी इसी तरह से शांत करे। इसको पिपाशा नहीं कहेंगे, इसको स्वरूप भूत जो सुख है उसकी अभिव्यक्ति कहेंगे, अभिव्यक्ति कहेंगे, उसको अभिव्यक्ति का जो है अभिव्यंजना जो है ये लीला जैसे सखी बनना और कपड़े वैसे ये तो निमित्त है, सत्य संप्रदाय के उसको निमित्त बना लेते हैं, जैसे कैसे भी भगवान का स्मरण हो गए। इसमें अभी प्रपंच की तो विस्मृति हो जाती है
अपने चित्त का शुभ निर्माण।